बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बॉयल अंडे लिए हैं। इनको मैंने सख्त बॉयल करके इसको मैंने ठंडे पानी में रख दिया था। अब इनको मैंने छील लिया है। अब यहाँ पे करेंगे, एक अंडे के हम 4 हिस्से करेंगे दरमियान में से इस तरह। इस तरह अब इसको मैं साइड पे करूंगी और छोटा बॉल लेंगे। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप छान के बेसन ले लिया है, ज़्यादा भर के आपने नहीं लेना। अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर चला गया। इससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेगा थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी जर्दा रंग फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 चुटकी हल्दी, हमने इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून कटी मेरे पास पालक है, 2 टेबलस्पून कटा धनिया है, और ये 2 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक काट लिया। ये इसमें सारी सब्जियां चली जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये सारी वेजिटेबल मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दी हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने अभी डाल दिया पानी। 1/2 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने बैटर को ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बिल्कुल ही हमने पतला रखना है। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 चुटकी मैं मीठा सोडा डाल लूँगी। अब फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बैटर देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए ना तो ज़्यादा हमने गाढ़ा रखा है और ना ज़्यादा पतला। अब ऑयल मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडे रखेंगे इसके ऊपर। इस अंडे के ऊपर हम बैटर को डालेंगे। देखिए चम्मच की मदद से हम बेसन लगा के इसको हम कढ़ाई में डालेंगे इस तरह। चम्मच की मदद से ये देखिए इस तरह हमने इसको पलटा देना है ताकि जो बैटर है वो नीचे जो है वो खाली ना हो, नीचे भी बैटर चला जाए थोड़ा सा। और इसको हम इस तरह चम्मच को कर देंगे ताकि बैटर इसके ऊपर चला जाए। जितने आएंगे कढ़ाई में हम उतने ही डाल लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और नीचे से गोल्डन हो गए हैं। इनको हम पलटा लेंगे। ये उलटते पलटते हम इसको दोनों तरफ से गोल्डन करेंगे। अब ये देखें जो बैटर है हमारा बच गया है। अब हम मैं इसके आपको टमाटर के पकौड़े बनाने बताऊंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर 2 काटे हैं स्लाइस में, देखिए इतने मोटे होने चाहिए, मैंने काट लिए हैं। अब यहाँ पे जो बेसन है सूखे वाला, खाली ये बेसन छना हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम बेसन को अच्छी तरह इसमें लगा लेंगे और इसको प्लेट में रखते जाएंगे क्योंकि इसमें पानी होता है। ज़रा इसको हम ड्राई बेसन लगाएंगे तो ये कोटिंग में अच्छा ही रहेगा। इसी तरह उलटते पलटते हम इनको गोल्डन होने देंगे। ज़्यादा आपने तेज़ आँच नहीं करनी क्योंकि अगर आप तेज़ आँच करेंगे तो ये पकौड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से इसका बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा। लीजिए बस ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। इसके अंदर डिप करेंगे और इसमें बेसन में अच्छी तरह इसको लगा कर बेसन को आप ये हम बैटर में डाल के इसको कोटिंग करेंगे। इसकी अच्छी तरह कोटिंग करेंगे और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े के टमाटर के पकौड़े बन के तैयार। ये देखें जो गोल्डन हो चुके हैं उसकी हम साइड चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह गोल्डन हो जाए।
दोनों तरफ से क्रिस्पी क्रंची कर लेंगे। ये हमारे टमाटर के पकौड़े देखें बिल्कुल तैयार हो गए हैं, दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो गए हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बनते हैं। ये देखें, ये सारे मैंने प्लेट में निकाले। बहुत ही मज़े के हमारे अंडे के पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं, और साथ ही मैंने जो टमाटर के पकौड़े बनाए हैं उसको भी मैं काट के दिखाऊंगी। इतने क्रिस्पी बने हैं हमारे ये टमाटर के पकौड़े, ये देखें बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने हैं। टमाटर और अंडे के पकौड़े बन के तैयार हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये मेरे पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। यही आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।